नमस्कार दोस्तों हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों बारह खड़ी हिंदी में खड़ी खड़ी यानी यदि आप केवल इस खड़ी को सीख लेते हैं हाँ दोस्तों यदि आपको यह बारह खड़ी याद हो जाता है तो आप हिंदी के कैसा भी किसी भी प्रकार का कठिन से कठिन शब्द यदि आपको लिखने के लिए मिलता है तो आप आसानी से इसके भी सहायता से लिख सकते हैं पढ़ना तो बहुत आसान हो जाएगा लेकिन आप लिखना भी सीख सकते हैं इस बारह खड़ी के सहायता से क्योंकि इस क्लास में मैं बारह खड़ी को आपको लिख लिख कर बिल्कुल आसान तरीके से आपको मैं सिखाने वाला हूं तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे देखिए आज की क्लास सबसे खास होने वाला है क्योंकि इस क्लास में दोस्तों मैं तीन चीज आपको वो चीज सिखाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है पहला ये कि आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से हंड्रेड परसेंट ग्रांटी के साथ मैं आपसे बोलता हूं कि बारह खड़ी को मैं याद करा दूंगा इसी क्लास में और इसी वक्त खूब ध्यान से यदि आप लास्ट तक इस क्लास को देखते हैं तो पहली पॉइंट दूसरी पॉइंट ये जब आपको याद हो जाएगा तो मैं बीच बीच में लिखवा कर भी आपसे मैं चेक करूंगा कि कितना अच्छा से आप लिख पा रहे हैं आपको याद है कि भूल गए ठीक है तीसरे पॉइंट दोस्तों आपसे मैं लास्ट में बोल बोल कर लिखवाऊंगा कि आप कैसे इसको याद रख पाएंगे हमेशा के लिए और लिखने की बात आएगी तो आप आसानी से इसके सहायता से कोई भी शब्द लिख पाएंगे बहुत आसान है केवल इसको देखना है यदि आपके पास समय नहीं है आप कोई भी काम कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो कान में ईयरफोन लगा लीजिए खूब आराम से कहीं पे बैठ के केवल सुन कर भी आप सीख सकते हैं नहीं तो समय है तो खूब ध्यान से इसको देखिए देख कर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं ठीक है बहुत आसान होने वाला है ये चीज आपको मैं बता रहा हूँ और करके भी मैं दिखाऊंगा ठीक है यहां पे देखिए ये जो बारह खड़ी ये जो शब्द है इसी में इसका जो है मतलब छुपा हुआ है बारह आप हिंदी में जानते हैं कि बारह जो है एक क्या है एक अंक है एक अंक बोलिए या संख्या बोलिए तो बारह खड़ी देखिए खड़ी क्या होता है खड़ी का मतलब है कि जो हम लोग जो लिखते हैं अ से लेकर अह तक ठीक ना अ से लेकर अह तक जब उसका मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है व्यंजन वर्ण के ऊपर लगता है तो एक अलग अक्षर बनता है जैसे क में लगेगा ये आ की मात्रा तो का हो जाएगा तो ऐसे ही ये बारह जो है बारह स्वर वर्ण की मात्रा जब व्यंजन वर्ण के ऊपर लगेगा तो बारह खड़ी बनेगा क्या बनेगा बारह खड़ी बनेगा यह चीज आप समझ गए तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आपने जो लिखा है ये बारह नहीं है यह तेरह है गिनकर देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह इसमें एक अधिक कहा से हो गया दोस्तों ये री है क्या है री को छोड़कर बात किया जाता है ऐसे री को भी साथ में इसलिए जाता है क्योंकि बहुत सारे री है रेप की मात्रा है पदेन रा है ये सब अलग है आपको ज्यादा ध्यान देना है ये बारह स्वर बन पे साथ में मैं री को इसलिए लिया हूं ताकि याद करने में और आसान हो जाएगा और यह भी आपके यूज में आता है और यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हर जगह कोई भी शब्द लिखते समय जैसे मान लीजिए आपको लिखना है कृषक तो देखिए क में रि की मात्रा क्री कृषक तो आप सीखे रहेंगे तो लिख देंगे पृथ्वी तो देखिए प में री की मात्रा प्री आधा थ और व में बड़ी की मात्रा पृथ्वी दृश्य तो में दी की मात्रा और आधा और या तो आधे अक्षर वाले भी शब्द इसके सहायता से आप सीख पाएंगे आगे मैं बताऊंगा ज्यादा हम लोग को ध्यान देना है यहाँ पे मेन चीज मात्रा पे किस पे मात्रा पे सब खेल इसी का है टोटल खेल दोस्तों इसी का है इसी के सहायता से आप टोटल बारह खड़ी को अपने दिमाग में रख पाएंगे रटना नहीं है समझना है चीजों को तो चलिए यहां से हम लोग खूब आराम से समझते हैं जहां तक हमको विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क से लेकर गया तक जरूर आता होगा हाँ दोस्तों कहोग ये आपको आता होगा नहीं आता है तो मैं इसका भी वीडियो बना दिया हूं आप देख सकते हैं चैनल पर अवेलेबल है चलिए यहां पर समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्वर बढ़ पहले देखते हैं ये अ है और, और की मात्रा यहां पे ऐसे खाली आपको दिख रहा है इसका मतलब इसका मतलब है मैं आगे बताऊंगा थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये आ है आ का मात्रा यहाँ पे एक आकार होता है क्या होता है आकार होता है ये छोटी ई है इसका मात्रा ऐसे है ठीक है और ये बड़ी ई है इसका मात्रा इसके उल्टा होता है ये छोटा ऊ है इसका मात्रा इस तरीके से है तो ऊ का इसके जस्ट उल्टा है इसका मात्रा बड़ा उका, ठीक है? ये री है ऐसे तो है, है जो कि एक चीज रखिए ये ये मात्रा बड़ा की मात्रा और री की मात्रा ये तीनों किसी भी अक्षर में नीचे लगता है इसीलिए मैं साथ में री का भी लिया हूं किसी भी अक्षर में नीचे लगता है ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पे ये ए है एक की मात्रा में एक एकले होता है उसके बाद है आए की मात्रा में दो एकले होता है उसके बाद ओ है ओ की मात्रा में एक आकार और एक एकले होता है उसके बाद औ है अ की मात्रा में एक आकार पे दो एकले होता है उसके बाद अन है और उसके बाद है है तो की मात्रा एक बिंदी होता है जो अक्षर के ऊपर लगता है और यह बिंदी को तीन तरीके से पढ़ा जाता है यह भी ध्यान दीजिए ये जो हम लोग बिंदी लिखते हैं इसको तीन तरीके से पढ़ा जाता है एक आधा न के रूप में एक आधा म के रूप में और एक आधा अण के रूप में तो कहाँ पे किसका यूज होगा कैसे किसको क्या पढ़ेंगे इसका भी हम लोग चर्चा इस क्लास में करने वाले हैं ये क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाला है ये केवल सिंपल बारह खड़ी नहीं है इसमें बहुत सारा चीज़ मैं बीच बीच में बताने वाला हूँ सिखाने वाला हूँ इसलिए लास्ट तक देखिएगा आपको बारह खड़ी तो मैं याद कराऊंगा ही इसके सहायता से कैसे किसी शब्द को पढ़ेंगे कैसे लिखेंगे शुरुआत में मैं जितना चीज़ बताया हूँ सब कुछ करके मैं सिखाने वाला हूँ ठीक है उसके बाद देखिए ये अन का समझ गया अह का दो ठो बिंदी होता है जो कि किसी भी मतलब कि अक्षर के बाद लगता है जैसे लिखा जाता पुनः तो देखिए के बाद ऐसे लगेगा पुनः ठीक है ना पुनः अतः कैसे लिखते हैं अतः अंततः देखिए अन ता, फिर त के बाद ऐसे दो ठो बिंदी तो अंततः ठीक है चलिए तो ये मात्रा समझ गए अब यहां से खेला शुरू होता है क्या ये देखिए ये जो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं ये जो अ है अ की मात्रा ऐसे गोला है इसका मतलब ये है इसके जगह पे जो हम लोग क से लेकर घ तक जो हम लोग व्यंजन बन पढ़ते हैं क ख ग आएगा यानी जो हम लोग क से घय तक पढ़ते हैं व्यंजन बन वो सभी में उन सभी अक्षरों में अ की मात्रा है किसका मात्रा है की मात्रा है यानी अगर क लिखा है इसका मतलब ये है कि आधा क और अ मिलकर ये क बना है यानी क में की मात्रा है। बोल कर भी देखिए इसमें, क्या बोलाएगा अ बोलाएगा अगर वहीं आप बोलेंगे के, ए ए देखिए ए बोलाएगा मतलब कि क में ए की मात्रा है तब ए बोला रहा है अ की मात्रा रहेगा तो जैसे हम लोग अ ख तो क्या समझे आप कि क से लेकर अह तक के व्यंजन वर्ण में क्या की मात्रा है अ की मात्रा है ये समझ गए यानी हम लोग जो भी बारह खड़ी पढ़ेंगे किसी भी अक्षर का पहला जो अक्षर होगा उसमें अ की मात्रा होगा क्या सीखे पहला जो अक्षर होगा उसमें अ की मात्रा होगा चलिए दूसरा देखिए ये आ की मात्रा एक आकार होता है अ के जस्ट बाद आता है आ क्या होता है और के बाद आता है आ यानी जिस भी अक्षर में यह आकार लगा होगा उसमें मात्रा होगा जैसे का 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 हो गया बोलकर देखेंगे का, का, आ का, मुंह आपका वैसे ही कि वैसे के वैसे खुला रहेगा जब का बोलेंगे और लग जस्ट आप आ बोलेंगे तो आपके मुंह में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होगा बोलकर देखिए का आ समझ रहे है, तो है है ना ना तो देखिए आ की मात्रा उसके बाद ये छोटी ई छोटी ई को ई भी बोला जाता है क्या बोला जाता है ई यानी इसके उच्चारण में कम समय लगता है और इसका मात्रा कभी भी किसी भी अक्षर के मतलब कि पहले लगता है पहले इन द सेंस जैसे क है तो क के पहले ऐसे लगेगा ठीक ना? और इसका उच्चारण भी कम समय में होता है कम समय में इतना नहीं कि लगे की आधा है वैसे नहीं यानी बड़ी ई की मात्रा में जोर लगेगा अब बड़ी ई पर समझ में आएगा छोटी ई भी ठीक है देखिए यह है बड़ी ई इसको हम लोग दीर्घ ई भी बोलते हैं क्या बोलते हैं दीर्घ ई दीर्घ दीर्घ मिश होता है बड़ा दीर्घ ई बोलते हैं ठीक है तो क में ये दीर्घ ई की मात्रा लगा है तो हुआ की यानी इसके उच्चारण में जोर लगता है यानी खींच कर इसको बोला की की, खाकी देखिए खा की यानी क में क्या है बड़ी की मात्रा खाकी राखी देखिए रा की राखी ठीक है खीर देखिए खी र खीर ठीक है जीव देखिए जी व जीव वीर देखिए वी र वीर यानी क्या है बड़ी की मात्रा है ठीक है तो क्या हुआ खी सेम जैसे आप छोटी बड़ी को समझे है ना बस यहाँ पे ई जगह पे ऊ हो जाता है और यही रूल यहां भी फॉलो होता है इसको जैसे हम लोग लो बोलेंगे। बोलेंगे? ठीक है और इसको हम लोग बोलेंगे बड़ी ऊ को हम लोग दीर्घ ऊ भी बोल सकते हैं उच्चारण भी वैसे ही होता है छोटी छोटी का सिंपल होता है बड़ा में जोर लगाकर खींच कर पढ़ते हैं जैसे देखिए और ये भी मैं तीनों का बताया हूं कि ये कभी भी किसी भी अक्षर के नीचे लगता है जैसे देख सकते हैं ये नीचे है ठीक है उसके बाद देखिए ए, ए ए में एक आराम से बोला जाता है एक एक आराम से बोला जाता है एक एक ऊपर लगता है यानी क के ऊपर एक एक है तो के अगर वही जोर से बोला जाएगा थोड़ी सी खींच कर बोला जाएगा जोर ला के बोला जाएगा तो दो ठो एकले हो जाएगा क्या हो जाएगा दो एकले हो जाएगा जैसे क पे दो एकले है कै कैसे कै ठीक ना कै वैसे ही देखेंगे ओ का तो एक आकार पे ऐसे एकले लगा हुआ रहता है एक आकार पे एक एकले लगा हुआ रहता है तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे को सिंपल तरीके से ऐसे को और वहीं एक आकार पे दो एक आएगा तो जोर लाके पढ़ेंगे यानी बड़ा हो गया को कैसे पढ़ेंगे को जैसे यहां पे लिखा है को एक बिंदी रहेगा तो इसको पढ़ेंगे कन और दो बिंदी ऐसे लास्ट में रहेगा तो कह अब ये जो क को पढ़े हैं एक लय पूर्वक ये सजा हुआ है जैसे किसी भी गाना का एक रिद्म होता है एक लय होता है ठीक ना वैसे ही ये भी सजा हुआ है कैसे देखिए ये इस पैराग्राफ पे आप याद कर सकते हैं देखिए खूब ध्यान से देखिए जो मैं बना रहा हूं इस तरीके से ठीक है खूब ध्यान से देखिए मैं क्या बना रहा हूं देखिए ये इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे से गया है ऐसे नीचे से ये छोटा है ठीक है और फिर यहाँ पे आया ऊपर से आया तो बड़ा फिर ये नीचे से जाकर सटा तो छोटा ऊपर से आया बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा क्या याद आपको रखना है दूसरे पेन के कलर से समझिए यहाँ पे ये छोटा है एक बड़ा है एक 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 छोटा है और एक बड़ा है इस तरीके से आपको याद रखना है तो इसको क्या के साथ हम लोग एक बार पढ़कर देखते हैं बहुत मजा आने वाला है दोस्तों बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको अरेंज किया हूं मैं क्या बोल रहा हूं कि केवल देख लेने से या सुन लेने से आपको याद हो जाएगा अभी मैं दिमाग में आपको चिपका दूंगा जैसे क्विक से किसी चीज को साट दिया जाता है ना वैसे मैं आपके दिमाग में इस चीज को साट दे देने वाला हूं ताकि कोई भी शब्द कभी भी लिखने की बात आए तो आप पीछे नहीं हटे पढ़ने की तो बात दूर है आप लिखना भी सीख जाएंगे खूब ध्यान से समझिए इसको एक बार मेरे साथ में आप पढ़िए देखिए क का देखिए जोर से बोलेंगे ठीक है का की देखिए जोर लाके बोलना है खू कू क्री क्री क्या हो गया बॉर्डर हो गया के क को, कन कह समझ गए इस तरीके से जो है आपको याद करना है आप मेरे साथ में इसको अगर संभव हो तो पढ़िए नहीं संभव है तो केवल सुनिए अभी याद हो जाएगा आपको पूरा ठीक है चलिए अब हम लोग ख का पढ़ते हैं सेम यही प्रोसेस लगातार दोस्तों यही प्रोसेस लास्ट तक चलता है जैसे ख के साथ भी देख सकते हैं ख खा, खा, खी खी कु खा है ना एक लय पूर्वक ये जा रहा है गा गि डी गु गु ग्री गे गय, गो गव, गन गह ठीक है और एक चीज यहाँ पे आप कॉमन देखे हैं थोड़ा सा इसको पढ़ पढ़ लेते हैं उसके बाद घी घी घू घू घी घे घो घन अब एक चीज यहां पे आप कॉमन देखे हैं यहाँ पे आप देखिए खूब ध्यान से कि सब में आकार लगा है यही प्रोसेस गया तक जाएगा लास्ट तक सब में आकार लगा है सब में देख सकते हैं कि इस साइड से ऐसे लगा हुआ है छोटी की मात्रा इसमें देखेंगे सब में बड़ी की मात्रा ऐसे लगा हुआ है ये सब में देख सकते हैं इस तरीके से लगा हुआ है ये सब में देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है सब में देख रहे हैं ना सब में जैसे यही मात्रा ना सब में लगा है देख रहे हैं ना यही चीज हुआ ऊपर जो है मात्रा है यही सब में लगा है यहाँ पे देखिए सब में ऐसे री लगा हुआ है री उसके बाद सब में देखिए एकले है एकले है इसमें दो ठो देख सकते हैं दो ठो एकले यानी इसको दुल्ले भी बोला जाता है या आय की मात्रा भी बोला जाता है यहाँ पे एक आकार पे एक एकले देख सकते हैं एक आकार पे एक एकले एक आकार पे यहाँ पे एक आकार पे दो एकले, यहाँ पे देखिए दो है ना सब एक ही यानी एक ही नियम को टोटल फॉलो करता है ऊपर आप जो समझे हैं यही प्रोसेस गया तक जाएगा मैं अभी आपको पढ़कर बता रहा हूं आप केवल सुनिए सुन लेने से लास्ट तक जैसे ही आप सुनेंगे आपको याद हो जाएगा अब थोड़ा सा यहां ले कि, कि एक छोटा है एक बड़ा है अच्छा अगर लिखना हो कू कू देखिए कू सिंपल तरीके से ऐसे लिखेंगे अगर कू तो जस्ट एक बड़ा इसका मतलब ऐसे हो जाएगा के देखिए के यानी एक हो जाएगा ए, दो दोठो हो जाएगा जैसे कि मैं ऊपर बताया हूं ठीक है ऐसे मैं आगे आपसे लिखवाऊंगा भी थोड़ा सा समझ लीजिए इसको आगे और भी पढ़ लीजिए उसके बाद ठीक है चा, चा, ची ची चू छू श्री चन चह

जी जे जय जो जो जन जह झा झा झी झी झू झू झ्री झे झे झो झन, झनझ ठीक है इसके बाद देखिए यहां पे ठा टी टी टू टू ट्री टे टय टोट

ते तय तो तौ तन तह था था थी थी थू थू, थू थ्री थे थे थो थौ थन थह द द

धो धो धन ध उसके बाद देखिए यहां पे न से न ना, ना नी नी नू नू नी ने नय नो नौ नन नह प

फे फो फौ बा, बा, बी बी, बू बू, बू, बे बुब बो बौ बन बह भा, भा, भा भी भी, भू भू भ्री भे भय भो भन ठीक है इसके बाद देखिए यहां पे म, मा मी मी मु, 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 मु मे मै मो मऊ मन्म या, या, यू, 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 ये, 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 रा र Ri Ri Ru Ru Ri Re Rai Ro Rau Ran Raha La La Li Li Lu Lu Ri Le Le Lo Lau ल लह व वा, वा वी वी वु वु व्री वे वै वो वो वन वह ठीक है इसके बाद देखिए यहां पे तलब शा से शा शा शी शी शु शु श्री शे शे सो शो सं सह शा शा शि शि शु शु श्री शे शे सो शो सं सह सा सा सी सी सु सु श्री से सय सो सव सम सह ह ह ही ही हु हु ह्री, हे है हो हौ हाँ, हन हा, हा। इसके बाद देखिए यहां से छा छा छी छी छू, छू छू छ्री छे छय छो छौ छन छह त्र त्र त्रि त्रे त्रै त्रो त्र घि घि घ्यू घ्यू घ्री जे घ्यय ग्यो, घ्य तो दोस्तों इस तरीका से आप क से लेकर जो पढ़े हैं सब में आपको एक ही रट एक ही जैसा एक ही चीज मिला है ठीक है चलिए अब हम लोग लिखने का यहां पे प्रयास करते हैं जैसे अगर लिखना है चा तो छा कैसे लिखेंगे आप लिखिए चा तो देखिए आ आ आया जैसे कोई भी शब्द आपको बोलता है लिखने के लिए तो तुरंत उसको जब आप मन में ही बोलेंगे तो तुरंत उसी में उसका मात्रा स्पष्ट उस रूप से दिखेगा जैसे छा यानी आ की मात्रा आकार लग गया मा तो देखिए मा आ की मात्रा आकार लग गया अगर आपको कोई बोलता है लिखने के लिए गे गे तो देखिए गे तो गे की मात्रा बोलकर देखिए गे ए गे खे देखिए खे ऐसे खे पे देखिए प में एक ही मात्रा है पे पे सब एक जैसे है ठीक है अगर कोई बोलता लिखने के ओ को लो देखिए सब में ओ आएगा चो देखिए चो च में ओ की मात्रा है, ऐसे चो दो ऐसे दो लो हो तो जो आप ये पढ़े हैं इसी के सहायता से कोई भी शब्द आप लिखेंगे जैसे शब्द लिखना हो जैसे मान लीजिए आपको लिखना हो रोग तो तुरंत तो आपके दिमाग में आएगी ओ की मात्रा ऐसे रो रोग ठीक ना अगर लिखना हो मोना देखिए मोना तो म में ओ की मात्रा ऐसे मो ना मोना ठीक है अगर लिखना हो लिखना हो बैल देखिए बै, आ रहा यानी दो ठो एकले होगा ए में एक एकले था आय में दो है यानी बैल तो ब में आय की मात्रा से ब बै, ल बैल ठीक है अगर लिखना हो जैन जैन तो देखिए जैन ज जा में आय की मात्रा से जय न जैन और स्पेशल दोस्तों मैं सभी मात्रा पे एक एक वीडियो अलग अलग करके अभी हाल ही में मैं अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं बहुत सारे शब्दों को जैसे ओ की मात्रा से आ की मात्रा से ऊ सबका मात्रा से अलग अलग ठीक है समझा कर फिर मैं शब्दों को पढ़ा कर और लिखना भी सिखा रहा हूँ यानी उसमें लिखने पर ज़्यादा जोर है तो उस तरीका से भी आप आसानी से दोस्तों हिंदी सीख सकते हैं और सब वीडियो भी देखकर और मुझे जहाँ तक विश्वास है इस क्लास को खूब ध्यान से आप देखे होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा तो दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा चैनल पर पहली बार है पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए तो चलिए दोस्तों आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं मिलते हैं अगले क्लास में जय हिंद